हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आइसोलेशन डांस पर। आइसोलेशन डांस क्या होता है और साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा आइसोलेशन के दो डांस मूव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या आप भी घर बैठे बोन ब्रेकिंग सीखना चाहोगे? यदि हाँ तो आप हमारा बोन ब्रेकिंग 101 का डांस कोर्स परचेस कर सकते हो, जो कि बिगनर लेवल की बोन ब्रेकिंग के लिए बनाया गया है। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्हें बोन ब्रेकिंग का ना तो कोई नॉलेज है और ना ही कोई एक्सपीरियंस। यदि आप भी उन लोगों में से हो तो आप ये कोर्स परचेस कर सकते हो। कोर्स को परचेस करने के लिए इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए या आई बटन पे क्लिक करके आप इसे डिटेल में भी जान सकते हो। सो गाइस, समझते हैं सबसे पहले आइसोलेशन डांस क्या होता है। तो आइसोलेशन डांस को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज आइसोलेशन। तो गाइस, आइसोलेशन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जैसे कि मान लीजिए यदि मैं एक बॉडी पार्ट को मूव कर रहा हूं और जो मेरे बाकी के बॉडी पार्ट है वो स्टील है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बाकी के पार्ट है वो आइसोलेट हो चुके हैं। तो इसी को हम आइसोलेशन बोलते हैं। तो आइसोलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अपने बॉडी के पार्ट को मूव करना है और जो बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं उनको स्टील रखना है, वो जैसे थे वैसे ही पोजीशन में रहेंगे। आप आइसोलेशन को बोल सकते हो आर्ट ऑफ मूविंग वन बॉडी पार्ट एंड सम टाइम टू बॉडी पार्ट एंड रिमेन बॉडी इज स्टील। तो गाइस, ये तो आइसोलेशन की बात हुई। अब आइसोलेशन डांस का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी होगी, वो है स्पेस। तो स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस जो हमारा एरिया होता है वो, मतलब जहाँ हम डांस कर रहे हैं वो एरिया। यदि आपको पता हो कि जो हमारा वर्ल्ड है वो 3 डायमेंशन में है, जैसे कि जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, तो हम किसी भी एक पॉइंट को आइसोलेट करेंगे या हम उस पॉइंट पर हमारा जो बॉडी का पार्ट है उस पॉइंट पर अटैच कर देंगे और बाकी के जो बॉडी के पार्ट है वो मूव करेंगे। समझने के लिए एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट को पकड़ लिया है। अब मैं मेरी पूरी बॉडी को मूव कर रहा हूँ, बट जो मेरा पॉइंट है या वो मैंने जिसे पकड़ा है वो वैसा का वैसा स्टील है, बाकी के जो मेरी बॉडी की पार्ट्स हैं वो मूव कर रही है। और इसी को मैं यदि एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा बॉडी का पॉइंट है वो मैं उसको भी शिफ्ट कर रहा हूँ, और अब मैंने वही जो पॉइंट जिसको मैंने पकड़ के रखा था मैंने उसे भी मूव कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही आप इस चीज को कर पाओगे। तो ये स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना होगा, मतलब आप कहीं भी एक पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, उस पॉइंट को भी आप मूव कर सकते हो आप चाहो तो। आइसोलेशन के डांस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक आइसोलेशन और एक स्पेस दोनों एलिमेंट को मिलाकर हम एक आइसोलेशन डांस परफॉर्म करते हैं। तो जब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आप आपके खुद के मूव क्रिएट कर सकते हो। जितने भी आप आइसोलेशन के मूव देखते हो वो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझकर जो लोग परफॉर्म करते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, बहुत सारे ये गलती करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब भी वो किसी डांस को करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग के कारण वो इतना कन्फ्यूज आते हैं कि वो जो पार्ट है वो पहले उसे स्टील रखेंगे फिर आप इसको मूव कर देंगे, और वही पार्ट जो स्टील रख रहे हैं उनको वापस से मूव कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जब आप स्टार्टिंग में इस चीज़ को सीखते हो। तो गाइस, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जो कि मैं यूज़ करता था। तो मैं क्या करता था कि आपको जब आइसोलेशन की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आप वॉल का या पाइप का इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल वर्ल्ड में अवेलेबल हो तो आप मान लीजिए उसको पकड़ लीजिए, उसका जो हाथ जो पकड़ रहा है वो वैसा का वैसा स्टील रहेगा, जो आपकी बॉडी जो बाकी की बॉडी है वो आप मूव कर सकते हो। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा इस चीज़ की, जैसे कि ये वीडियो में आपको दिख रहा है कि मैं कैसे मूव कर रहा हूँ एक मेरे बॉडी के पार्ट को। मैंने मेरे बॉडी का जो एक पार्ट है जो मेरा पाम है मैंने वॉल पे रखा है, और बाकी का जो मेरा बॉडी का पार्ट है वो मूव कर रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जब आप इसे असली में करोगे तो आपको क्या करना है, आपको अब आंखें अपनी बंद कर लेना है, और बंद करने के बाद आपको इमेजिन करना है जैसे कि आपने वॉल को टच किया है और आप मूव कर रहे हो। तो आपको ये इमेजिन करके इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, फिर धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन से बॉडी पार्ट को स्टील रखना है और कौन से को मूव करना है। तो आप ये समझ जाओगे तो आप इजीली इसे अच्छा कर सकते हो। तो गाइस, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आप बात करते हैं कि जब हम आइसोलेशन डांस करें तो हम हमारे मूव को क्लीन कैसे करें। तो गाइस, आपको आपका जो मेन गोल है आइसोलेशन डांस मूव में वो है इस जो आप डांस मूव कर रहे हो उसको क्लीन तरीके से करना। तो क्लीन तरीके से करने के लिए आपको दो चीज़ समझनी होगी, कि जो आपका बॉडी पार्ट जो मूव कर रहा है वो, और जो आपका बॉडी पार्ट मूव नहीं कर रहा है वो। जब भी आप परफॉर्म करोगे तो इन दोनों बॉडी पार्ट को आपको याद रखना है कि जो आपका बॉडी पार्ट मूव नहीं कर रहा है वो वैसा का वैसा ही रहे, और जो मूव कर रहा है वो मूव ही करे। अब इन दोनों को ध्यान रखकर जब डांस करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो मूवमेंट है वो अपने आप ही क्लीन हो रहा है। और याद रखिए, जब भी आप इस मूव को सीखोगे तो आपको मिरर के सामने सीखना है ताकि आप अपनी गलतियों को पकड़ पाओ। तो याद रखिए कि जब भी आप इसे सीखोगे तब आपको मिरर के सामने करना है, और साथ ही साथ आपको जो मूव करना है वही मूव होगा, और जो आपको स्टील रखना है वही स्टील रहेगा। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है इस मूव को या फिर आइसोलेशन डांस मूव को क्लीन करने के लिए।
तो गाइस अब बात करते हैं हमारे एक्चुअल डांस मूव के बारे में कि अब हम आइसोलेशन को परफॉर्म कैसे करेंगे। तो आप इस वीडियो में दो मूव सीखोगे जो कि है आइसोलेशन हम करेंगे नेक और शोल्डर का साइड बाय साइड, हमारा फर्स्ट मूव होगा और सेकंड होगा अप एंड डाउन। तो दोनों में ही हम नेक और शोल्डर का यूज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है साइड बाय साइड। तो साइड बाय साइड का नेक आइसोलेशन सीखने के लिए सबसे पहले आपको वार्म अप करना होगा ताकि जो इंजरी के चांसेस है वो कम हो जाए। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है नेक रोटेशन। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी नेक को रोटेट करना होगा। तो सबसे पहले अपनी चीन को अपने चेस्ट से टच कीजिए, फिर आपको रोटेट करते हुए अपने कान को अपने शोल्डर से टच करना है, फिर आपको रोटेट करते हुए अपनी नेक को पीछे लेकर जाइए, अगेन अपने कान से शोल्डर को टच कीजिए और लास्ट में चीन को चेस्ट से टच कीजिए। इस तरीके से आपको रोटेट करना है क्लॉकवाइज में 1 मिनट और एंटी क्लॉकवाइज में 1 मिनट करना है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको अपने फेस को राइट से लेफ्ट की ओर मूव करना होगा। इसमें आपको राइट शोल्डर पर देखना है, फिर लेफ्ट शोल्डर की तरफ देखना है। आप जितना हो सके उतनी आप नेक को एक्सटेंड कीजिए या खींचिए। आप जितना राइट की तरफ दे सकते हो उतना राइट देखिए, जितना लेफ्ट दे सकते हो उतना लेफ्ट देखिए। थर्ड एक्सरसाइज में आपको अपने फेस को ऊपर की ओर लेकर जाना है, आपको आसमान को देखना है, फिर आपको सामने देखना है, फिर आपको जमीन पर देखना है। इस तरीके से आप बार बार देखेंगे, सबसे पहले आसमान को, फिर अपने सामने, फिर जमीन को। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करना होगा। तो ये तीनों वार्म अप आपको 2-2 मिनट तक करना होंगे और ये तीनों वार्म अप को आपको पहले करना है, उसके बाद ही आप एक्चुअल मूव करेंगे। आपको साइड बाय साइड आइसोलेशन के अंदर आपकी जो गर्दन या फिर आपकी जो हेड का पोर्शन है वो इस तरीके से मूव नहीं करना है, आपको इस तरीके से मूव करना होगा। तो यदि आपको ये नहीं आता तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको बस अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, अपने कान को अपने हाथ से टच कीजिए, फिर दूसरे कान को टच कीजिए। अब देखिए मेरा जो गर्दन है वो स्ट्रेट ही है, अब मेरी गर्दन मूव नहीं हो रही। आपको इस तरीके से टच नहीं करना है, इस तरीके से। अब इस तरीके से टच करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो गाइस आपको हमेशा आपका जो फेस है वो स्ट्रेट रखना है होगा, आपको इधर उधर टिल्ट नहीं करना है। इस तरीके से टिल्ट करेंगे तो गलत होगा। आपको हमेशा जब भी आप आइसोलेशन करोगे तो आपके बॉडी के पार्ट्स को एकदम टाइट करना होगा, उसके बाद आप इन्हें मूव करेंगे। तो क्या होगा, एक तरीके से टाइट होने पर ये लाइन क्रिएट करेंगे, उससे एक विजुअली इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अब गाइस करते हैं एक्चुअल मूव जो कि है हमारा नेक एंड शोल्डर साइड बाय साइड। इस मूव में हम हेड से स्टोमच का पार्ट यूज करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में आएगा हेड से लगाकर नेक का पार्ट और पार्ट सेकंड में आएगा शोल्डर से स्टोमच तक। अब साइड टू साइड मूव को सीखने के लिए सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। स्टेप फर्स्ट में आपको पार्ट वन को राइट शोल्डर के पास लाना है। स्टेप सेकंड में पार्ट टू को मूव करोगे तो आपको पार्ट फर्स्ट को अपोजिट मूव करना होगा। वापस से देखिए, आपको पार्ट सेकंड को राइट और पार्ट फर्स्ट को लेफ्ट में मूव करना होगा। आपको इस तरह ही सीखना होगा। जब आप शोल्डर को राइट मूव करोगे तो नेक को लेफ्ट मूव करना होगा और आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करना है अच्छे से, फिर आप एक्चुअल मूव करेंगे। और आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने शोल्डर को स्ट्रेट लाइन में रखना होगा। बस आपको इस तरीके का यूज करके राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट आइसोलेट करना होगा। बस यहाँ पर आपको अपनी बॉडी को भी मूव करना होगा। अब काउंट वाइज करते हैं, पार्ट फर्स्ट को मूव करें, अब पार्ट सेकंड को मूव करें। इस तरीके से आपको करना है और पार्ट फर्स्ट मूव करें, अब पार्ट सेकंड मूव करें। जब आप एक तरीके से आगे बहुत झुक जाओगे तो उसके बाद आपको वापस से पार्ट सेकंड को ही मूव करना होगा। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड मूव के बारे में जो कि है नेक एंड शोल्डर अप एंड डाउन। एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको सबसे पहले शोल्डर को ऊपर की ओर उठाना है, जिससे एक लाइन क्रिएट होगी। इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको सेकेंड एक्सरसाइज करना है, अपनी नेक को इस तरह आगे लाना है। आप चाहे तो अपने हाथ को सामने रखकर उसे टच करने की कोशिश कर सकते हैं। आपका हाथ थोड़ी दूर होगा आपकी नेक से और हैंड को टच करने के बाद आपको नेक को पीछे लेकर जाना है। जितना हो सके उतना पीछे लेकर जाइए। अब हम एक्चुअल मूव करेंगे। पार्ट फर्स्ट को आगे लाइए, फिर पार्ट सेकंड को आगे लाइए। पार्ट सेकंड को आगे लाते टाइम आपको पहले शोल्डर को स्ट्रेट करना होगा, जैसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट में आपने प्रैक्टिस किया था। गाइस अप एंड डाउन का जो हमारा मूव है उसके अंदर क्या होगा, जब आप अपनी गर्द आपकी जो नेक है उसको आगे लेके जाओगे, जो हमारा पार्ट फर्स्ट है इसको आप आगे लेकर आओ, और जब आपका पार्ट सेकंड जब आगे लेकर आओगे तो आप देखोगे कि जो आपका चीन का एरिया है वो चिपक जाएगा एक दूसरे से। तो एक तरीके से डबल चीन आपको दिखने को मिलेगी। यदि वो दिख रही है तो मतलब आप सही कर रहे हो। अब हम इसे काउंट वाइज करते हैं, पार्ट फर्स्ट को आगे लाइए, फिर पार्ट सेकंड को आगे लाइए, पार्ट फर्स्ट को आगे लाइए, फिर
पार्ट सेकंड को आगे लाइए, पार्ट सेकंड को पीछे लेकर जाइए, अब पार्ट फर्स्ट को पीछे लेकर जाइए, अब पार्ट फर्स्ट को आगे लाइए, सेकंड को आगे लाइए, फर्स्ट को आगे लाइए, सेकंड को आगे लाइए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरी एक लिमिट हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, वापस से पार्ट सेकंड को पीछे लेके जाऊंगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, इस तरीके से आपको करना होगा। जब भी आप आइसोलेशन मूव करोगे तो आप अपने चेस्ट पर अपने हाथ को रख सकते हो या हाथ को लंबा कर सकते हो, इस तरीके से भी आप अपने हाथों की पोजिशन को करके इसे और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो गाइस यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा लुकिंग डांस पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टिल देन कीप डांसिंग।